हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रीडिंग आंसर्स। तो अगर आज आप एग्ज़ाम देके आए हैं, एकेडमिक आईएलटीएस का फाइनल एग्ज़ाम, और आप रीडिंग के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, तो हम डिस्कस करते हैं रीडिंग के आंसर्स क्या हैं। अब ये जो मेरे पास आंसर्स हैं पूरे अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि जितने मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किए और जितना वो बेस्ट याद करके बता पाए उतने ही आंसर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आपके पास आंसर्स हैं तो काइंडली आप शेयर कर लेना, ताकि सब जो है मिलजुल करके आंसर्स चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जितने मेरे पास आंसर्स अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जो था दैट वॉज ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड आंसर था नॉट गिवन, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ नॉट गिवन। तो स्टार्टिंग में ही 1 to 5 जो थे वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे, तो स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर ने यही किया था कि वो स्किप करके पहले आगे वाले कंप्लीट कर लिए थे, बाद में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड नॉट गिवन, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ नॉट गिवन। सिक्स जो आंसर था दैट वॉज सेवन्थ, एट्थ टीथ, नाइन्थ सी बर्ड्स, प्लूरल में था, एस लगाना था, टेंथ वॉज पॉली रीजन्स। फिर 11 जो था मेल्ड, 12 कॉमन एंड 13th इज 2500। उसके बाद आगे जो आपके पास आंसर्स थे 14 ऑनवर्ड्स, तो 14 वॉज फर्स्ट, सेकेंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया था, 15th वॉज थर्ड, 16th वॉज एट्थ, 17 सेकेंड, 18 सेवन्थ, 19 फिफ्थ। ठीक है, तो आपने उस तरीके से जैसे पेपर में था वैसे आपने लिखा होगा, तो आप उस अकॉर्डिंग ही चेक कर लेना मैंने इस तरीके से लिखा है। अदरवाइज वो रोमन नंबर्स थे तो आपने रोमन नंबर्स ही लिखे होंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। सो 20th वॉज ए, 21st से हम चेक करते हैं, 21st वॉज ए, 22nd राइट, 23rd न्यूज़पेपर, 24th नहीं याद नहीं था मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनको, 25th सीन्स, 26 इट्स नॉट अवेलेबल, 27 डी। थर्ड जो सेक्शन था वो आंसर्स याद नहीं है उनको, थोड़ा ट्रिकी लगा था थर्ड सेक्शंस। ठीक है, तो एनी हाउ दे मैनेज्ड इट बट दे डू नॉट रिमेंबर द आंसर्स, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो अब आप इन आंसर्स को चेक कर सकते हैं और आप काउंट कर सकते हैं कि एटलीस्ट स्टार्टिंग 2 सेक्शंस में जो है वो आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द राइटिंग वीडियो, तो उसको भी आप अभी जरूर देख लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।